क्रिस्पी करारे नमक पारे आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हलवाई जैसे नमक पारे और काजू दोनों चीज़ें आज हम एक ही डोसे बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है इस तरह से नमक पारे बनाइए और इनको आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं और कहीं सफर पर भी इनको ले जा सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इन नमक पारों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने यह एक कटोरी मैदा ली है यहाँ पर मैंने यह ढाई सौ ग्राम मैदा ली है इसमें हम डालेंगे अजवाइन चीनी तो यहाँ एक चम्मच चीनी डाली है स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच रिफाइंड ऑयल यहाँ पर हम तेल का मोइन लगा रहे हैं मोइन लगाने से बहुत ही खस्ता नमक पारे बनते हैं अब अच्छे से हाथ से हम मिलाएंगे इस तरह से रब करते हुए सारे आटे में हम तेल को अच्छे से मिला देंगे तो इस तरह से मुट्ठी बांध के देखिए इकट्ठा हो रहा है इसका मतलब है जो हमने इसमें तेल का मोइन लगाया है बहुत अच्छे से लगा है अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम आटा लगाएंगे तो यहाँ पर हम आटा जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं ना उसी तरह का आटा लगा के तैयार करेंगे देख सकते हैं यह आटा ना ही सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा टाइट है अब इसको ढक कर रखेंगे दस मिनट बाद इसको चेक करेंगे आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है और इसमें जो चीनी डाली वह अच्छे से घुल गई है तो इसको एक बार और अच्छे से मसलते हुए इसको चिकना करेंगे उसके बाद हम इसकी दो लोई करेंगे क्योंकि आज हम एक ही डोसे दो तरह से काजू और नमक पारे दोनों आप लोगों को बना कर दिखा रहे हैं तो इस तरह से दो लोई निकाल लीजिए और इस तरह से गोल करके इनको हम बेलेंगे तो चलिए बेल लेते हैं तो बेलने के लिए हम यहाँ पर कोई भी चकला बेलन पर तेल लगाएंगे पहले फिर उसके बाद इसको बेलेंगे तो इसको ना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना ही ज़्यादा मोटा जिस तरह से मैं बेल रही हूँ उसी तरह से बेल कर तैयार करें तो देख सकते हैं यह बेल चुका है तो हम इसको काट लेते हैं तो यहाँ पर हम लंबे साइज़ में इसको इस तरह से पहले काट के तैयार करेंगे बहुत ही अच्छा यह नाश्ता है बहुत ही सिंपल सा है और इस तरह से आप लोग इस नाश्ते को शाम के टाइम चाय में खा सकते हैं बहुत ही अच्छा स्नैक्स है इस तरह, इस तरह से बनाइए खाइए तो यहाँ पर मैंने इसको लंबे साइज में काट लिया है अब हम इसको छोटे छोटे से नमक पारे बनाते हैं ना उसी तरह से इसको काट के तैयार करेंगे तो इस तरह से हम छोटे छोटे से नमक पारे बना रहे हैं तो आप इनको बड़े साइज में भी बना सकते हैं पर मैं छोटे साइज में बना रही हूँ बहुत ही अच्छी लगते हैं देखने में और खाने में भी तो यहाँ पर इस तरह से इनको काट के तैयार करेंगे फिर उसके बाद इनको हम फ्राई करेंगे तो यहाँ पर है नमक पारे मैंने आप लोगों को काट कर दिखाया इसी तरह से सारे नमक पारे काट कर हम तैयार कर लेते हैं जिससे वीडियो लंबा नहीं होगा और हमारे नमक पारे और काजू दोनों तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आप लोगों को काट के दिखा दिया है तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारे नमक पारे काट लिए हैं अब हम दूसरे डो को भी बेल कर तैयार कर लेते हैं अब हमें बनाने हैं काजू तो इस लोई को हम थोड़ा मोटा ही बेल के तैयार करेंगे क्योंकि काजू जब हम बनाते हैं थोड़े मोटे साइज़ के ही रहते हैं इसको हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे इस तरह का इसको बेल के तैयार कर लिया अब हम कोई भी छोटी सी ढक्कन लेंगे और उससे इसको हमें काटना है इस तरह से हम काटेंगे तो इसमें काजू की जो डिज़ाइन है अपने आप ही आ जाती है बहुत ही आसानी से यह कट जाता है तो बस इसी तरह से एक ही डो में आप दो तरह का नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे काजू और नमक पारे दोनों तैयार हो चुके हैं तो चलिए इनको हम फ्राई करते हैं तो फ्राई करने के लिए हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई इसमें डालेंगे तेल और तेल जैसे ही यहाँ पर गर्म होगा तो पहले हम नमक पारों को फ्राई करेंगे तो यहाँ पर तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे मीडियम गरम पर ही इनको हम फ्राई करना होता है जैसे हम समोसों को तलते हैं बस उसी तरह से इनको हमें तलने में ही जितना समय लगता है वही समय है बाकी इनको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है बहुत ही जल्दी से रेसिपी है जो बनकर तैयार हो जाती है यहाँ पर देख सकती हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं तो इसी तरह से हम काजू को भी तलेंगे बस इनको चलाते रहिए और ज़्यादा इनको हम सुनहरा नहीं करेंगे इनका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे नहीं तो फिर ये देखने में अच्छे नहीं लगते हैं मीडियम आंच पर इनको हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं इनका कलर भी चेंज नहीं होता है बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं तो लीजिए मैं आप लोगों को तोड़कर दिखा देती हूँ बहुत ही खस्ता हमारे नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं तो बताइए आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी है और आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू